हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सबको। स्वागत है मेरी चैनल लाइफस्टाइल में आप सबको। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ शिलोंग का व्यू। ये देखिए, मैं कहाँ पे विजिट किया है शिलोंग में, तो देखिए चारों ओर कितना पहाड़ जंगल है। देखिए शिलोंग में, अगर आप लोग कभी शिलोंग में आना चाहते हो तो डायरेक्ट आप गुवाहाटी से भी आ सकते हो। अगर आप आउटसाइड से आ रहे हो तो वहाँ से ट्रेन आपको नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट फ्लाइट में आना चाहते हो तो फ्लाइट से आ सकते हो और आपको बस मिल जाएगा वहाँ से। और मैं वहाँ पे आपको आके शिलोंग में उतरना है और वहाँ से पोर्ट से आपको सीधा बस मिल जाएगा, पूरा शिलोंग आपको घुमा देगा। या आप छोटा गाड़ियों से कैब से भी घूम सकते हो। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना अच्छा सन व्यू है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। एंड आज मेरे साथ है मेरा फ्रेंड विकी, जो मेरे साथ आया है और ये इस चैनल को बहुत लाइक करता है। मेरे चैनल हमेशा मेरा सारा जितना अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाता हूँ सब कुछ देखता है। आज मेरे साथ आया घूमने के लिए शिलोंग में, तो चलो लेट्स गो। देखिए कितना जंगल है और चारों ओर पानी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको पानी नज़र नहीं आएगा। देखिए नीचे कितना सूखा पड़ा है, पूरा एकदम ये हो गया है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधा, पता नहीं आगे कहाँ पे कौन सा रास्ता गया है, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा है। चारों ओर हरियाली हरियाली दूर में दिखाई दे पड़ रहा है। दो तीन घर है सामने, तो वहाँ पे आपको शायद हम उनको पूछ सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ तक कहाँ जाता है। यहाँ पे दूर दूर से कोई घर नज़र नहीं आ रहा है, बहुत दूर में पड़ता है। अगर आप इस साइड में आ रहे हो तो पूरा जंगल साइड मिलेगा आपको। इधर से जाएंगे फिर भी आपको जंगल होके निकलना पड़ेगा। अगर आपको मेन रोड में जाना है तो आपको वहाँ से जंगल क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखिए मज़ा तो बहुत आ रहा है दोस्तों, कि वो पता है फर्स्ट टाइम जब हम लोग शहर से जब कहीं हिल स्टेशन में आते हैं तो फर्स्ट टाइम बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि वहाँ पे बहुत सारा मतलब माउंटेन को देखने मिलेगा और कितना सारा जंगल मिलेगा। क्योंकि थोड़ा सा मतलब फीलिंग्स ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि हम लोग शहर से मतलब गाँव में जब जाते हैं तो हमारा फीलिंग्स ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो अभी हम आए व्यू माउंटेन में शिलोंग का, तो यहाँ का नज़ारा देखिए कितना अच्छा, बहुत अच्छा नज़ारा है। तो अभी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बेस्ट प्लेस होगा। देखिए कितना आपको अच्छा लग रहा है। लड़ाई कर रहे छोटे छोटे बच्चे, बहुत क्यूट सा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अले लले चुना आ जाओ। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। एंड मानो या ना मानो, आप कभी आएंगे तो आपको भी सेम मतलब फीलिंग होगा आपको भी, कि आप सोच भी नहीं सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आपको। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है। देखिए चलो भाई बैठ के देखता हूँ शायद। यहाँ पे कुछ मजदूरी वगैरह तो यहाँ पे भी लेके चलेंगे आपको। देखिए चलो लेट्स गो। तो आपको होली क्रॉस स्कूल मिल जाएगा, थोड़ा सामने ही है। और इधर से जाएंगे तो आपको जस्ट, अगर आप कैब से जाएंगे तो आपको एक घंटा लगेगा एयरपोर्ट जाने में। और आप पैदल तो आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम शिलोंग में विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे जंगल है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सा रास्ता कहाँ पे गया है, कहाँ तक जाओगे, आप खुद गुम हो जाओगे जंगल में। तो मैं जो आया हूँ, अब मैं अपनी गूगल के मैप के मतलब
मदद से आया हूँ, तो आगे मैं जाऊँगा आगे, शायद मुझे कुछ नहीं मिला और मैं रास्ता घूम तो मैं कैब बुक करूँगा, शायद नेटवर्क है कि नहीं। हाँ नेटवर्क मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं आगे बुक करके फिर कैब से निकल जाऊँगा। देखिए ये देखिए, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, शायद आसाम में क्या बोलते हैं इसको, तांबुल। हाँ तांबुल बोलते हैं। देखिए कितना पेड़ है तांबुल का, देखिए देखिए सुपारी, देखिए नज़ारा देखिए थोड़ा। चलो दोस्तों मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैं वो तांबुल के पेड़ के नीचे आ गया हूँ। देखिए कितना तांबुल का पेड़ है यहाँ पे, बहुत सारा है। मैं तो तांबुल खाता नहीं हूँ पर असम का लोग मैंने सुना है ऐसा कि बहुत तांबुल खाते वो लोग। और जो वहाँ पे जो फैक्ट्री है मतलब सुपारी उपारी बनता है, मतलब गुटखा और आपका जो भी मॉल पान मसाला, सो एवरीथिंग विल बी डन फॉर द तांबुल। सो यहाँ पे क्या होता है, ये सब फैक्ट्री में भी जाता है, कुछ कुछ मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, वहाँ से माल सप्लाई होता है, ऐसा यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उन लोगों को, तो इसलिए खेती करके रखा है सुपारी का। तो देखिए आप क्या चीज़ मिला है, देखिए देखिए क्या है ये, आपने कभी ऐसा देखा है कभी, ये क्या है बताइए आप। ये वही है जिसका मैं बात कर रहा हूँ तांबुल, इसको बेचते हैं वहाँ से, मतलब गुवाहाटी में जाता है, बाहर में भी जाता है, तो यहाँ से वहाँ से फैक्ट्री में लेके उसको सुपारी बनाता है, जैसे कि आपको गुटखा खाते हो ये सब कुछ, तो इससे ही बनता है वो सब कुछ माल सप्लाई। देखिए कितना नज़ारा है, माइंड फ्रेश हो गया एकदम। मैं क्या सोच के आया था कि यहाँ पे जाऊँगा अच्छा लगेगा, समझ के नहीं आ रहा था, तब जब मैं आया यहाँ पे तो मुझे फीलिंग्स हुआ ये जगह बहुत अच्छा है। और मैं आपको भी बता सकता हूँ कि आप कभी यहाँ पे आना चाहते तो जरूर आइए शहर में, वो यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, एक मन को एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा। अगर आप बहुत मतलब टेंशन में हो, बहुत सारा आपका दिमाग में काम का प्रेशर हो, तो कभी अपना हॉलीडे मनाइए यहाँ पे आके, आपको बहुत अच्छा महसूस मिलेगा। आपको मिल जाएगा ये देखिए नज़ारा व्यूज। तो दोस्तों अभी मैं बैग जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे जाना नहीं है, मैं इधर से जाना है मुझे, क्योंकि मैं आया हूँ इधर से और यहाँ से मैं जाऊँगा तो मुझे एयरपोर्ट के रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, जस्ट अभी अभी आया हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं विज़िट करने के लिए आया हूँ। थोड़ा दो दिन यहाँ पे रुकूँगा, विज़िट करूँगा, अच्छे से बताऊँगा आपको क्या है क्या नहीं, क्या मिलता है, क्या फेवरेट चीज़ है यहाँ का, तो मैं सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताऊँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ मतलब जहाँ पे मैं आके रुका था जिस होटल में, उस होटल में मैं बैक कर रहा हूँ, क्योंकि आज वैसे भी मतलब इवनिंग का टाइम है, मौसम भी बहुत ख़राब है, बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पे, मतलब बर्फ़ बहुत पड़ता है यहाँ पे, बहुत ठंड है, अब बता नहीं सकते हो मतलब कितना ठंड है। अभी तो थोड़ा सा अच्छा है लेकिन कल शायद सुना था मैंने बहुत ठंड था यहाँ पे, तो मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जंगल का एरिया ठीक ठाक नहीं होता है, जब शाम हो जाता है तो बहुत सतर्क होना पड़ता है। तो चलिए लेट्स गो।
हम चढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए पहाड़ी, देखिए आप कभी माउंटेन चढ़े हो कि नहीं मुझे पता नहीं, कमेंट में जरूर बता।